आज बनाने जा रही हूँ लेडी सॉक्स, जिसके लिए मैंने ये दो कलर लिए हैं और इसमें 10 नंबर सलाई ली हुई है मैंने और 55 फंदे डाले हुए हैं। 55 फंदे डालने के बाद ये देखिए यहाँ से, और देखिए ये 5 और 6 नंबर को दोनों को आ जाएगी। और देखिए पहली रो हम इसको उल्टा उल्टा बुनेंगे इस तरीके से। ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही जल्दी बनती है क्योंकि इसको सिंपल बुनना है। ये देखिए इधर से मैंने इस रो को ऐसे ही बुनते जाना है। ये देखिए लास्ट तक मैंने इसको उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। अब देखिए पलट लेंगे इसको, ये उल्टे साइड है, यहाँ से एक फंदा उतारूँगी, धागा आगे करूँगी और इधर से भी इसको ऐसे ही उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर देंगे। दोनों साइड से ऐसे ही बुनना है। ये देखिए उल्टे साइड से भी मैंने इसको पूरा कर लिया। आप देखिए फिर मैं एक फंदा उतारूंगी धागा आगे करके और इसको इधर से उल्टा और उधर से उल्टा। और देखिए यहाँ पे मैं इस तरह की 7 रो पूरी करूंगी। ये दूसरी हो रही है, 7 रो इधर से और 7 रो इधर से, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखिए मैंने इसमें ये 7 रो पूरी कर ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7। आप देखिए मैं उल्टे साइड पर हूँ तो देखिए यहाँ से मैं डिजाइन डालूंगी इसमें। देखिए इस तरह से यहाँ से मैं, ये देखिए 1 2 और ये 3, ये 4। यहाँ पे मैंने 4 फंदे बुन लिए, एक साइड का फंदा है, 3 फंदे डिजाइन के हैं। तो देखिए एक फंदा मैं ऐसे ही उतार लूँगी और फिर देखिए 1 2 3, 3 फंदे बुन लिए, उसके बाद एक को ऐसे ही उतार लिया, उसके बाद देखिए 1 2 3, 3 बनाने के बाद एक को ऐसे ही उतार लेंगे, 1 2 3, 3 बुने और एक उतारा। ये देखिए इस रो को ऐसे ही कंप्लीट करेंगे। अब देखिए मैं सीधे साइड आ गई हूँ तो यहाँ से देखिए, अब ये देखिए एक फंदा ये उतार लेंगे और ये इस तरह से उल्टे बना लेंगे, धागा पीछे करेंगे और इस वाले फंदे को उतारेंगे, फिर से वापस धागा आगे और ये 3 फंदे उल्टे बुनेंगे, धागा पीछे, इस फंदे को उतरे हुए फंदे को उतार लिया, फिर धागा आगे किया। ये देखिए, ये देखिए फिर से ये इस फंदे को उतारा, धागा आगे और ये देखिए इस तरह से ये रो कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इस रो को मैंने बनाते हुए कंप्लीट कर लिया। आप देखिए यहाँ से ये मैं फिर से ये कलर लगाऊंगी। ये दो दो रो का डिजाइन है तो दो रो में ये पूरी हो गई एक डिजाइन। आप देखिए यहाँ से मैं ये वाला फंदा, इसके बीच वाला जो 3 के बीच में है जो फंदा है, इसको मैं उतारूंगी। देखिए 1, ये देखिए ये वाला फंदा, बीच वाला फंदा उतार लेंगे, उसके बाद देखिए 1 2 3, वही चीज़ फिर से है। देखिए फंदों में थोड़ा चेंज आया, बस ये देखिए इस तरह से बीच वाला फंदा, इस डिजाइन का बीच वाला फंदा उतारेंगे, 1 2 और ये 3, और ये देखिए बीच वाला फंदा फिर से उतार लिया, 1 2 3, ये देखिए ये वाला उतारा, फिर देखिए 1 2 3, ये देखिए इसी तरह से इस रो को भी कंप्लीट कर देंगे। ये देखिए इस तरह, ये देखिए इस रो को मैंने उल्टे साइड से बनाते हुए कंप्लीट कर दिया। अब देखिए एक फंदा ये उतार लिया, ये साइड फंदा है, और देखिए ये डिजाइन वाला फंदा है, इसको भी उतार लेंगे और धागा इधर करेंगे और इन 3 फंदों को उल्टा बुनेंगे। ये देखिए धागा पीछे करेंगे, इस फंदे को उतारेंगे, वापस धागा आगे और देखिए इन 3 फंदों को उल्टा बनाएंगे, वापस धागा पीछे, फिर देखिए इस डिजाइन वाला फंदा उतारा, धागा आगे, इन 3 फंदों को उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, इसको उतार लेंगे, वापस धागा आगे, इन 3 फंदों को, और देखिए इस तरीके से रो कंप्लीट करेंगे। ये देखिए लास्ट तक मैंने इसको बुन के कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए यहाँ से ये 2 रो पूरी हो गई इसकी। अब देखिए फिर से मैं ये कलर लगाऊंगी तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4। अब देखिए पर्पल का बीच वाला फंदा उतारूंगी, देखिए बैंगनी का,
ये देखिए ये वाला, पहले मैंने ये देखिए इस तरह से, सिर्फ इसमें यही चीज़ होगी, बाकी कोई चेंजिंग नहीं आएगी, फंदे सिर्फ चेंज होंगे इसमें। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे। ये देखिए इस तरह से मैंने ये डिज़ाइन डाली है। आप देखिए यहाँ पे मैं इन फंदों को उल्टा बनाऊंगी, जिस तरह से बनाते आ रही हूँ मैं, ये देखिए ऐसे, और इस फंदे को उतार लूँगी, धागा आगे करूँगी, फिर तीन फंदे, और देखिए इसी तरह से मैं इस डिज़ाइन को डाल के कंप्लीट करूँगी, उसके बाद मैं आपको दिखाऊँगी। देखिए इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैंने इसमें ये एक दो तीन चार, चार रो डाली हैं इसकी डिज़ाइन ये इस तरह से। और देखिए यहाँ से अब मैं इसको पलट लूँगी, उल्टे साइड है ये। अब देखिए ये वाला मैंने धागा यहीं कट कर दिया है, अब मैं इसी कलर से उल्टा उल्टा बुनूँगी दोनों तरफ से। ये देखिए इस धागे को मैं इसी में बुनते हुए लाऊँगी ऐसे रख के, ये देखिए इसको मैं इसी तरह से इधर से उल्टा उल्टा बुनूंगी। ये देखिए उल्टे साइड से मैंने ये एक रो पूरी कर ली है। अब देखिए यहाँ से मैं इधर से एक फंदा उतारूंगी, धागा आगे करूंगी, और इधर से भी इसको उल्टा उल्टा बुनूंगी। अब सिर्फ इसी कलर से बुनूंगी मैं, ये देखिए इस तरीके से। और देखिए इस तरीके से यहाँ पर मैं ये एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात रो यहाँ पर बनाऊँगी, सात इधर से और सात उधर से। यहाँ पे 14 रो कंप्लीट करके मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए मैंने यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः, छः रो बना के कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए इसमें से मैं आधे फंदे घटा दूंगी, जितने भी फंदे आप डाल के बना रहे हैं उसके, इस तरीके से मैं ऐसे पहले इसको उतारेंगे और इस फंदे को सीधा करेंगे। ये देखिए दो का एक करेंगे, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस और ये 26, 26 फंदे मैंने 26 फंदे घटा दिए। अब देखिए यहाँ से मैं इसको उल्टा उल्टा बुनूंगी, आधे फंदे मैंने इसमें से घटाए हैं। ये देखिए मैंने ये यहाँ पे 27 फंदे घटा दिए हैं, हमारे पास 55 फंदे थे। और देखिए यहाँ पे अब मैं इनको उल्टा उल्टा बुनूंगी दोनों तरफ से, ये देखिए इधर से और उधर से कंप्लीट करूंगी। ये देखिए मैंने एक रो कंप्लीट कर ली, अब इधर से भी इसको इसी तरीके से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट करेंगे। और देखिए अब मैं सिर्फ ये हाफ फंदे बुनूंगी, ये हाफ मैंने उतार दिए हैं इस तरह से। देखिए अब इन्हीं फंदों को मैं आगे बनाऊँगी, और देखिए इसको मैं यहाँ से बनाते हुए कंप्लीट करूँगी, करीब 22 रो के लगभग बनाऊँगी यहाँ से उतारने के बाद, 22 इधर से और 22 उधर से। ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पे ये 21 रो डाल ली हैं, और 22वीं रो पे इसको मैं सारे फंदे बंद कर दूँगी। ये देखिए यहाँ से मैं सारे फंदे बंद करूँगी उल्टे साइड से, ये देखिए ऐसे। इस तरीके से मैं सभी फंदे देखिए बंद कर दूंगी दो का एक करते हुए।
ये देखिए मैंने ये बना के कंप्लीट कर ली है। अब देखिए इसको मैं इस तरीके से ऐसे फोल्ड करूँगी, ये देखिए यहाँ से ऐसे, ये देखिए ऐसे, और इसको यहाँ से इस कोने से लेके ऐसे मिलाते हुए सिलते हुए जाएंगे। ये देखिए यहाँ, ये देखिए एक बार और देख लीजिए, ये इस तरह से है, और इस कोने को ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये यहाँ से स्टार्ट कर लीजिए आप, चाहे इधर से एड़ी साइड से इस कोने तक, ये देखिए। ये देखिए इस तरीके से यहाँ तक मिलाते हुए इसको सिलेंगे। इसको लास्ट तक यहाँ तक सिलते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक इसको सिल के कंप्लीट किया है। आप देखिए यहाँ से मैं ये डिसाइड ये इसको बंद कर दूंगी इस तरीके से। यहाँ से देखिए ऊपर से चाहे बंद कर लीजिए आप, चाहे इधर से इसको मिलाते हुए सिलना है पूरा। ये देखिए ये देखिए लास्ट तक मैंने इसको सिल के कंप्लीट कर लिया एड़ी तक इसको। और ये देखिए पंजा मैंने पहले ही सिल लिया था। और देखिए यहाँ से इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए ये बन के कम्प्लीट हो गई है, और काफ़ी इजीली ये बन जाती है, और इसका डिज़ाइन भी काफ़ी सुंदर बन के आता है, ये देखिए इस तरीके से। और देखिए इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा।